نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه لقول فصل وما هو بالهزل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلني وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उनके फजल व करम से, महज उनके ही फजल व करम से ये मौका मुयसर आया है कि मुताला कुरान हकीम बरात तलबा तालिबा के निसाब की तदरीस के हवाले से द इल्म फाउंडेशन मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में, स्कूलों में कुरान मजीद की तालीमात को, उसके पैगाम को, उसके फाहम को लोगों तक पहुँचाने में मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इस इदारे ने 7 जिल्दों पर कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा शाया किया, जिसको कि मुल्क के मारूफ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो बड़े उलमाए कराम हैं उन्होंने एक तर्जुमे पर इत्तफाक राय कायम किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला और बहुत बड़ा काम हुआ है। इस कोशिश में द इल्म फाउंडेशन के जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब की अनथक मेहनत इसमें जो है वो लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में द इल्म फाउंडेशन तमाम मदारिस में, स्कूलों में और तालीमी इदारों में उनके तमाम बच्चों को ये अपनी जो किताब है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फराहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे एक प्रोमोशनल एक्टिविटी का स्टॉल भी लगाया है, जो कि इंसान दोस्त के हवाले से यहाँ पे एक आज एक इवेंट हो रहा है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं और स्कूल के जो मेंबर हैं वो हमारे पास आके हमारे पास अपनी रजिस्ट्रेशन, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस हमें दे सकते हैं। साथ साथ मैंने आज एक अपने स्पीच के आगाज़ में एक हदीस आपके सामने कोट करी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान मजीद को फैलाए और पढ़े। इसके अलावा सूरत ख़मर में आयत नंबर 17 में, आयत नंबर 22 में और आयत नंबर 32 में और आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान मजीद को सीखना आसान कर दिया है, क्या कोई है सीखने वाला। आप यकीन कीजिएगा, आप हमारी इस बुक का मुताला करके देखें, आपको बहुत आसान रहेगा। मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करेंगे, www.tiftif.edu.pk। जज़ाकुल्लाह खैर।